क्योंकि इहदे विच लगातार सब तो पहला कांग्रेस तो स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस का हंकार सामने बोलता पे जिस तरीके कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टार्ट किया कि कहे जे लोग आ रहे हैं जो इन्हों के लीडर यूज करते हैं मटीरियल वर्ड उ इन्होंने हंकार वाले शब्द जो निकल के सामने आ रहे हैं। मैं दसना चाहना है कह रहे कि जेडे पांच तुसी मंत्री खिला दिते, यह पांच पहला लीडर सीगे, उस तो पहला वॉलंटियर सीगे, चाहे गुरमीत थेर की गल कर लिए, चाहे कुलदीप सिंह धालीवाल होरां की गल कर लिए, चाहे कुड़िया साहब की गल कर लिए, चाहे बाकी होर ने। तो दूसरा जिन्होंने बार बार कमेडियन कमेडियन कह रहे ना कलाकार कमेडियन, इन्हों नालों ज्यादा सीरीयस ने पंजाब नूं लैके, उस कमेडियन का पंजाब के प्रति जिन्ना प्रेम सीगा जो पंजाब के प्रति उन्होंने इशूज चुकते रहे ने, जिन्होंने कमेडियन कह के संबोधन कर रहे हैं आप दे पीढ़ी थले सोटा मारन, कैंडिडेट दिंदे रहे ने पंजाब नूं, किसे दी बाह मरोड़ जांदी सी, किसे दी बाह दर्द हो रही सी, किसे नूं कानूनां दा नहीं पता सीगा, इन्ना इन्ना दे सैशन चलता रहा। सो आम आदमी पार्टी ने एक चीज क्लीयर कर दी वालिया साहब, अपने सारे जिहड़े हैवीवेट चैंपियन देख के कि अपनी क्लीयर है, असीं जिहड़े इलैक्शन दा फुल डेडीकेशन लड़ना चाहुंदे आ, साडे लई हर सीट इंपोर्टेंट है। जिहड़ा भी कैंडिडेट इलैक्शन लड़ रहा है आम आदमी पार्टी बहुत सीरियसली इलैक्शन लड़ रही है हर सीट नूं लैके, चाहे वह अमृतसर है, चाहे वह जलंधर है, चाहे वह बाकी सीटां ने, असी पहल की थी, असी आपकी सीटा अनाउंस कर दी। दूसरे पास जिस तरीके ना अकाली दल वाले कह रहे थे कि अकाली दल वार कर रहे थे कि इन्होंने मंत्री लभे होर कोई बंदे नहीं लभे, अकाली दल मैं याद कराना चाहना इन्हों परिवार को अलावा बंदा ही कोई नहीं लभदा, जीजा साला भैन तीन सीटा पक्या इन्हों दिया, उस तो बाद दूर नेड़े के रिश्तेदारी वाले आएंगे बाकी सीटा के उत्ते, अगर अलायंस नहीं होया तो फिर होर रिश्तेदार लभ के लेके आएंगे, पर जिहड़ा इन्हां दे बिहाइंड दा कर्टन्स अलायंस है बीजेपी दे नाल उह ना पहला कदी टुटिया सीगा ना अज टुटिया, ना आने वाले टाइम के टुटना है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की गल कर लो, चाहे तुसी प्रेसिडेंट इलेक्शन की गल कर लो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ कर लो, लगातार अकाली दल बीजेपी के हक च भुगते हैं, इन्होंने किसान की शहादता करके एक जिहड़ा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है वह सब लोग जानते हैं, इसके अलावा कभी भी इन्हों का आपसी जो तालमेल है कभी नहीं टुटिया इन्हों का। सो लोग है इन्हों इना दिखा देंगे जेडे बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने मंत्री ही लभे, घट्टो घट साडे कोल जीजा भैन साला इस तों अलावा बाकी भी लीडर है, चाहे वह वॉलंटियर ने, चाहे ग्राउंड तो मेहनत करके मंत्री बने ने, ते मंत्री बन के अपने अपने डिपार्टमेंट उन्होंने काम किया। तीसरा बीजेपी वाले गल कह रहे थे कि मुद्दे की गल होगी, बिल्कुल वाली साहब मुद्दे की गल होनी चाहिए है, 2024 की इलेक्शन है, सारे जने जानते 2024 इलेक्शन प्रधानमंत्री की चोण वास्ते इलेक्शन हो रही है, जो तो देश आजाद होया, मैं ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा, कोई भी गल गलत होगी टोक सकते हैं, लीस्ट प्रोडक्टिव विधानसभा रही है, सब तो घट प्रोडक्टिव विधानसभा, देश के प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल का ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जवाब नहीं दिता, 200 तो वध क्वेश्चन ओपोजिट पार्टियां ने डिलीट किए गए, 143 तो वध मैंबर पार्लीमेंट सस्पेंड किए गए, जिन्हां करके ब्रीच हुई, एक मैंबर पार्लीमेंट अंदर पार्लीमेंट के एक कम्यूनिटी में गाला खड़ता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार जिस तरीके महंगाई वधी, 2 करोड़ रोजगार की गल, रेल सेल कोल और सारे लोग जानते हैं, जो इन्होंने बुरा हाल किया हिंदुस्तान का, सरकारी संस्थानों का बुरा हाल किया, असं भी लोगों से लैके जावे, जवाबदेही इन्हों की बनती है, देश प्रधानमंत्री की चोण वास्ते इलेक्शन हो जा रही है, असं जो 2 साल च काम किए हैं बेहतर काम किए, चाहे 42,000 रोजगार की गल सी वो अजो विशा नहीं है, जे मेरे को पुछे एक्सप्लेनेशन मंगे मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देंगा, पर आम आदमी पार्टी ने डिटेल क्लीयर कर दी है, असं बिल्कुल इलेक्शन लैके सीरियस हाँ, जिन्हें भी कैंडिडेट आए हैं सारे धरती धरातल जुड़े हुए कैंडिडेट ने साड़ी जी।